हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलआरएनआर क्लासेस। पिलामने एलआरएनआर क्लासेस रो यूट्यूब चैनल रे आमे आपनको पई ओडिसा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ रे हेबाकू जाउतबा स्कूल एंट्रेंस रो प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रे करूचु। तो पिलामने मु आपनको मैथमेटिक्स पढौचे। क्लास 1 रे पिलामने मु आपनको सहित मैथमेटिक्स रो सिलेबस डिस्कशन करथिलि एवं केउ भली भाबर आमे मैथमेटिक्स को पढिबा एवं ओएबीएस पई केउ भली भाबर प्रिपरेशन करबा सेई सब वीडियो रे मु आपनको सहित ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। जदि पिलामने आपनो सेई वीडियो को देखि नांते ताले सेई वीडियो आपनको डिस्क्रिप्शन रे किबा प्ले लिस्ट रे मिलि जइबो जाय कि आपन माने चेक करें। तो पिलामने आजिरो क्लास रे आमे पढ़िबा ऐकिक धारा। तो पिलामने ऐकिक धारा को आपणकर पाठ्यपुस्तक पढ़ी एवं ऐकिक धारा उपर आपणकर बोध हुए किछिटा धारणा थिबो। पिलामने ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ जो स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होउछि सेथिरे पिलामने आपणको थ्योरी लिखिबा पय पढ़िबानि। सेथिरे गोटे ओएमआर सीट आसुचे, सही ओएमआर सीट रे चारोटी ऑप्शन थिबो। सही चारोटी ऑप्शन रो आपनको गोटे ऑप्शन को चूज करके सही गोटे ऑप्शन उपरे गोल बुलाया को पड़ी थाए। तो पिला माने आमे ऐकिक धारा को आमे जेमिते आमे प्रैक्टिस करिचु बा जों भले भाबर आमे सॉल्व करू सही भले भाबर जदि आमे सॉल्व करबा ताहाले पिला माने आमको अधिक समय सापेक्ष एवं केवल गोटे ऑप्शन को चूज करबा पई एते सब थ्योरी मध्ये आवश्यक नै। तो पिला माने मु आपनको पई एलआरएनआर क्लासेस रो यूट्यूब चैनल रे गोटे बहुत ही सुंदर ट्रिक आपन ताको कहि परंती बा गोटे सूत्र मध्ये आपन माने कहि परंती जहाँ को कि आपन माने यूज करके एही ऐकिक धारा रो समस्त प्रश्न को आपन माने बहुत ही कम समय रे करि परिबे एवं आपन माने देखु देखु मध्ये तार आंसर दे देबे। तो पिला माने तो आज क्लास टी बहुत ही इंटरेस्टिंग हेबा पई जाउछे एवं आपनको किछि नुवा जिंस आज क्लास रे सिखिबा पई मिलिबो। तो पिलामने जमा भी क्लास को स्किप करंतु नै किबा काटी काटी करि देखंतु नै पूरा स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत ए क्लास को देखंतु ताहा फल रे कि जहा फल रे कि आपण माने गोटे बहुत ही सुंदर कांसेप्ट पाई परिबे। एंड पिलामने आज रही क्लास को स्टार्ट करिया पूर्वर गोटे रिक्वेस्ट करिया पई चाहू छी कि जदी एबे जाय आपण माने हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नै ताले सब्सक्राइब करि पाखर तो बेल आइकन को प्रेस कर दंतु। आपणकर संग साथी मानक सहित एही क्लास को बहुत ही मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने सेमान को पाठ पढ़ाई हेल्प करूँ एंड ता सहित आमको मोटिवेट करूँ जहाँ फल कि यही भाव में ही क्वालिटी कंटेंट आम आपई फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड कर पार। तो चलतु पिलामने आज क्लास को स्टार्ट करवा। तो पिलामने सबु थर भाया आथर मध्य गोटे जिनस कहवापी चाहूँ कि आपण पेन आउ नोटबुक रखु मुझे भाव में बोर्ड में लिखि लिखि जाऊँगी आपण मैंने ठीक सेमती ही बोर्ड लिखि लिखि जातु जहाँफल कि आप गोटे गोटे बहुत ही सुंदर नोट प्रिपेयर होंड आपर जो एग्जाम पाखे से आपट रू आपजाम प्रिपेरेसन करें। तो पाने ऐकिक धारा को आम कौन कही था चलन कही था। यही चलन हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ पे सड़ख चलन आउ गोटे हूँ प्रतिलोमी चलन। प्रतिलोमी चलन पिलामने वर्तमान तुमपाई एत इम्पोर्टेंट ना किंतु जाणीवा निहाती आवश्यक अटे। ठीक अच्छे किंतु जाणीवा निहाती आवश्यक अटे। तो पिलामने आमे संपूर्ण सिलेबस मैथमेटिक्स रो कवर करूछु माने एमती नुह कि आम किसी जिनस छाड़ी देउछु। मु आपनको सब कन्सेप्ट कन्सेप्चुआल क्लारिटी मु आपनको सहित शेयर करूछु माने कन्सेप्ट आपनको सहित शेयर करूछु। तो पिलामने सळख चलन कौन प्रतिलोमी चलन कौन आमे जाणीवा मन कर पाने चारोटी गोटे प्रश्न अच्छे है चारोटी पेन रूल्य कोड़े टाँचा चारोटी पेन रूल्य हूँ कोड़े टाँचा। तो पांचटी पेन रूल्य तो पांचटी पेन रूल्य केते हम निर्णय कर चारोटी पेन रूल्य हूँ कोड़े टाँचा तो पांचटी पेन रूल्य केते हम यही भाव प्रश्न अच्छे। तो पाने ऐकिक धारे कौन करूँ ना यही प्रश्न को आम कही था सड़ख चलन। ठीक अच्छे ऐकिक धारा आम कौन करूँ चारोटी पेन रूल्य सामान कोड़े टाँचा। ठीक अच्छे तापर आम कौन करूँ ना गोटे पेन रो तो एकटी पेन रूल्य गोटे पेन रूल्य कौन कर कोड़े विभक्त चार आपको हरले के आसाना पांच टाँचा तो गोटे पेन रूल्य के बाहर पांच टाँचा तापर पांचटी पेन रूल्य आम कौन कर पाँच गुणन पाँच कर पचीस टाँचा बाहर। ठीक अच्छे पे ये हूँ आमर कौन ना सड़ख चलन या आम यही भाव में करें यही भाव में
ଆକୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ମନେକର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛଅ ଦିନରେ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛଅ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛଅ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ କ'ଣ ନା, ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଏହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଲୋମ ଚଳନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରନ୍ତି ନା ଛଅ ଦିନରେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କାମକୁ କରନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ ନା ଛଅ ଦିନରେ, ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛଅ ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କରିବ ସେଇ କାମକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛଅ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କାମକୁ ଜଣେ ଯଦି କରିବ ତାକୁ ଛଅରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ, ଲାଗିବ। ତ ଛଅ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇକୁ ଗୁଣିଦେବ, ତ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ବାର ଦିନ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଛଅ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇର ଅଧା ଯଦି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଇଏ ଏହାର ଡବଲ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣକୁ ଛଅ ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତ ଜଣକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ଏହାର ଡବଲ କାମ ଦିନ ଲାଗିବ, ମାନେ ଛଅର ଦୁଇ ଗୁଣ ଲାଗିବ, ମାନେ ବାର ଦିନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା, ତିନି ଜଣ ଲୋକକୁ ଏଇ କାମ କେତେ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତିନି ଜଣ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଏଇଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ତ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ ବାର ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ ନା ବାର ବିଭକ୍ତକ ତିନି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବାର ଦିନର କାମ, ବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଇଗଲେ ସେ ବାର ବିଭକ୍ତକ ତିନି ହେଇଗଲେ, ଚାରି ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ, ହେଲା। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ ଚାରି ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ, ମାନେ ସଳଖ ଚଳନର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେବେ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼୍ କଲେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପଳାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସୂତ୍ର, ବା ଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ବି କହିପାରିବା, ହେଲା, ସୂତ୍ର ବା ଆକୁ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ବି କହିପାରିବା। ଐକିକ ଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରୋଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଚାରୋଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ସଳଖ ଚଳନରେ ଅଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଭାଗ କରିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ ଗୁଣନ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ସଳଖ ଚଳନ ବା ଐକିକ ଧାରାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସଳଖ ଚଳନରେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଭାଗ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଣନ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଚାରୋଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ପଚାରିଛି କେତେ ନା ପାଞ୍ଚଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଚାରୋଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଭାଗ କରିବେ। ତ ସାର୍ ଆମକୁ ଚାରୋଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କା, ତ 20କୁ ଆମେ 4ରେ ଭାଗ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତ ସାର୍ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚଟି ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
चारि पंचा कोड़े भाग कर मान भाग कर चारि पंचा कोड़े पांच पंचा पचिश पचिश टाँचा बाहर ना ना ये आम पचिश टाँग बाहर ये आमको एत सब जिन लिखा पड़ता कि ये गोटे लाइन रे क्वेश्चन सल्व हो गला ठीक समिति पिला माने एठी हमें कौन करिबा ना एठी भी सही सेम ट्रिक अप्लाई करिबा किंतु यार टिके अलग देखो देखो दुई जन लोक गोटे काम को छ दिन रे संपूर्ण करंती दुई जन लोक गोटे काम को छ दिन रे संपूर्ण करंती एठी हमें कौन करथले ना जहार मूल्य देइथिला ताकू हमें भाग कले जहार मूल्य पचारथिला ताकू गुणिले एठी किंतु तार उल्टा करिबा जहार मूल्य देइछि ताकू गुणिबा जहार मूल्य पचारिछि ताकू भाग करिबा दुई जन लोक गोटे काम को छ दिन रे संपूर्ण करती तो जहार मूल्य ताकू आम गुणीबा प्रतिलोमी चलन रे तीन जन लोक ये काम को केते दिन रे संपूर्ण करेंगे जहार मूल्य ताकू आम भाग करवा तो छ दुगुणे बार विभक्त को तीन तो ये आसीज चार देख पिला ये चार आसला आशा करूँ कि आपको ये ट्रिक्टे बुझा पड़ी एवं संपूर्ण रूपे आपने बुझीपारी थे जदि पे आपने बुझीपारी तेल तले कमेंट करके जनातु एंड जदि पे आपको बुझे कि असुविधा होती आपने कमेंट करके जनातु आम चेषा करूँ कि आपंकर डाउट को लेकिन आम गोटे क्लास नहीं आसबू जो थे कि केवल आपंकर डाउट ही आम क्लीयर करूँ तो पिला सर्वप्रथमे नोट डाउन कर दिंतु और कनसेप्ट को माइंड रखु यही कनसेप्ट को जब पे थे बुझी जाऊँच कि प्राक्ट करजाम पे आपने बहुत ही कम समय ऐकिक धारा समस्त प्रश्न को करें ऐकिक धारा समस्त प्रश्न को बहुत ही कम समय करें तो चलतु पे ऐकिक धारा को लेकिन आम कौन करवा किटा एम सिक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्राक्ट करवा पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रो किछे वैरायटीज क्वेश्चन मु नै आसी जहाँ कि ऐकिक धारा उपर रिलेटेड तो यही समस्त प्रश्न पे सड़ख चलन उपर ही आधारित ठीक अच्छे देख पे जमी मुझे जो सूत्र बा फॉर्मूला आपण कहिपारंतु बा ट्रिक भी कहिपारंतु से ट्रिक अनुसार आम करवा जदि 72 बहीर ओजन 9 किग्रा हुए तेबे 6 किग्रा रे एही प्रकार केतोटी बही हबो सड़ख चलन रे अच्छे मुझे कही जहार मूल्य देखे कौन करवा ना भाग करवा जदि 72 बहीर ओजन 9 किग्रा हुए तेबे 6 किग्रा रे एही प्रकार केतोटी बही हबो पे बेले बेले देखु आम लेफ्ट साइड नंबर राइट साइड नंबर सहित डिवाइड करू राइट साइड नंबर को लेफ्ट साइड डिवाइड करू ये हमको कौन कही 9 किग्रार मूल्य 72 बहीर मूल्य सहित सामान कही आमको कौन पचार 6 किग्रार मूल्य पचार 6 किग्रार मूल्य सेटा को पिला माने ध्यान रखुथिबे एठी ओजन थिला तो ओजन पाखरे ओजन हैला एठी संख्या थिला संख्या पाखरे संख्या एटा आपण माने सदाबळे माइंड रे रखिबे तो पिला माने 9 किग्रा बही 9 किग्रा ओजन रो बही केतेटा होचना 72 जहार मूल्य देछि ताकू आमे कोन करिबा ना भाग करिबा पचारिछि केते ना 6 रो मूल्य पचारिछि तो 9 8 72 848 बही ऑप्शन नंबर सी हम आम सठिक उत्तर ठीक अच्छे तापर पे क्वेश्चन नंबर दुई रे कौन देला ना क्वेश्चन नंबर दुई रे देला कि एक डजन पेन रो दाम 36 टंका हेले गोटे पेन रो दाम केते एक डजन पेन रो दाम 36 टंका हेले गोटे पेन रो दाम केते तो पे हमको कौन है ना तीन टा ऑप्शन देछि सॉरी 4टा ऑप्शन देला 4टा ऑप्शन रो आमको कौन दे 36 टंका कहार मूल्य ना गोटे डजन रपर पचार गोटे पेन रो गोटे पेन रो दाम केते गोटे पेन रो दाम केते एटी हमें पेन न नेकी आकु पिला माने हम गोटे काम करवा कदळी कर दवा ठीक अच्छे पेन नेले ठीक ठीक सुना जाऊनी ताकु हमें नै जेबो एक डजन कदळी ये भी नै जेबो कदळी हला तो पिला माने तो गोटे कदळी रो दाम तो आमे जानिचु एक डजन केते ना एक डजन होचि केते ना 12 एक डजन केते ना 12टी एक डजन मूल्य 12 से दे देला हम कोन 12टी कदळ रो मूल्य दे देला 36 टंका से पचार जे गोटिए कदळ रो मूल्य केते तो पिला माने जहार मूल्य देइचि से कोन हबो जहार मूल्य देइचि से कोन हबो ना भाग हबो जहार मूल्य पचारचि से कोन हबो ना गुणफल हबो ठीक अछि तो ये कौन है 12 3 36 तो ये कत आसो ना 3 टंका आसो 3 टंका यार सठिक उत्तर आसो तो ऑप्शन बी हम यार सठिक उत्तर ऑप्शन बीटा हम यार कौन ना सठिक उत्तर
पिलामने नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन देख सतोटी कंडेईर दाम 490 टंका हेले 720 टंका रे केतोटी कंडेई मिलिबो तो सतोटी कंडेईर दाम केते 490 टंका से पछे जे 720 टंका रे 720 टंका रे हमहु केतेटा कंडेई मिलिबो जहार मूल्य देइछि से कोन हबो ना भाग हबो जहार मूल्य पचारिछि से कोन हबो ना गुणा हबो ठीक अछि तो सत सत्ता अंचा सतुरी शून शून कटिगला तो सत अष्ट बास्तरी तो पिला माने एठे आठ हम सठिक उत्तर आठटी कंडेई मिलिबो परवर्ती प्रश्न चार नंबर प्रश्न देख जड़े श्रमिक दुई दिन में 1000 टंका पारिश्रमिक निए तेबे से सेप्टेम्बर मासरे केते पारिश्रमिक नेब तो पिला माने दुई दिन से केते पारिश्रमिक निए ना 1000 टंका जहार मूल्य देइछि ताको आमे कोन करिबा ना भाग करिबा 1000 रे दुई भाग हला यार मूल्य देइछि तापर से पछ जे तेबे से सेप्टेम्बर मासरे केते पारिश्रमिक निए आमे जानि छथि कि सेप्टेम्बर मासटा होउछि केते दिनिया ने सेप्टेम्बर मासटा होउछि हमर 30 दिनिया ठीक अछि सेप्टेम्बर मासटा हमर होउछि केते ना 30 दिनिया तो पचारिछि सेप्टेम्बर मासरे केते पारिश्रमिक नबो माने 30 दिन रे से केते पारिश्रमिक नबो तो ये 2 5 10 ये 500 हे गला 5 3 15 15 रे 3टा सन 15000 टंका से नबो सेप्टेम्बर मासरे से केते टंका नबो ना 15000 टंका नबो आशा करूछि कि पिला माने आपण माने बहुत भल भाबे बुझी पारिथिबे एवं आपणकर खाता रे आपण माने ए सब जिनिस को नोट डाउन करथिबे तो चलो तो आउ किसी प्रश्न प्राक्टिस करवा तो पिला माने आज क्लास रो लास्ट दुटा क्वेश्चन ठीक अच्छे पांच नंबर क्वेश्चन देख केतोटी बयासी मिसिले 6724 हबो एई भोली भाव रे प्रश्न थिले कौन करिवो ना बड़ संख्या को सही सान संख्या रे भाग कर देबो ठीक अच्छे तो पिला माने मु भाग कर देला पर मोर आसीबो 82 ही आसीबो हला तो ऑप्शन नंबर बी हबो यार सटीक उत्तर आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन 13 जन लोक एक दिन में 169 मूर्ति गढ़ी पारती तेज 7 जन लोक एक दिन में केतोटी मूर्ति गढ़ी पारे तो पिलाने 13 जन लोक एक दिन में गढ़ती केतोटा ना 169 जहार मूल्य देइछि ताको कौन करिवो ना भाग करिवो एवं जहार मूल्य पचारिछि ताको आमे कौन करिवा ना गुण गुणफल बाहर करिवा तो 169 को आम जो 13 रे भाग करिवा केते आसीबो ना ए 13 ही आसीबो तो 13 सत्ता केते हबो ना 91 तो टोटल आमर समाने सात दिन केतटा मूर्ति गढ़ी पारे ना से 91 टा मूर्ति गढ़ी पारे ये हम तार ऑप्शन सी हम तार सठिक उत्तर तो पिलाने आज क्लास पढ़ले एकक धारा एवं एकक धारा को आम कई भाव में सर्ट मेथड रे बा बहुत ही कम समय करवा से विषय शिखिले तो पिलाने एकक ऐकिक धारा को लेकिन किसीटा भेराइट क्वेश्चन मुझे आपण सहित डिस्कस कली जदि पिलाने अधिक अधिक प्रश्न प्राक्ट करने चाहते एवं आपर LRNR.in वेबसाइट को विजिट करूँ एंड ता सहित पिलाने प्ले स्टोर को विजिट करके LRNR आप को इनस्टल करूँ यही भाव में वीडियो लेक्चर्स आपवापी LRNR यूट्यूब चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ एवं सब्सक्राइब कर पाखे थोड़ा बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु तो पिलाने आज क्लास टी आपको केमी लगे कमेंट मध्यम जनइबे एंड आज क्लास आपको किसी डाउट अच्छे से कमेंट मध्यम जनइबे एंड पिलाने आपण को आउ किसी जो जिन एक्सट्रा दरकार से आपको जनई पारे जहाँ कि आम प्रोभाइड करूँ चेस्टा करूँ प्रोभाइड करूँ तो आज क्लास टी देखे बहुत बहुत धन्यवाद पुणी देखा हे नेक्स्ट क्लास रे।